हेलो दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट इंटरनल गॉड का एपिसोड नंबर 168। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, टियानमिंग अपने मन में सोचता है, क्या ये तीनों मेरे ग्रैंड ओरियन सॉर्ड को चुराने के लिए आए होंगे? लेकिन अगर ये ग्रैंड ओरियन सॉर्ड मुझसे लेना चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे इन्हें ग्रैंड ओरियन सॉर्ड निकाल के दिखाना ही होगा। इसी के साथ टियानमिंग अपने अंदर से ग्रैंड ओरियन सॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और वो तीनों सीनियर्स से कहता है, सीनियर यही है ग्रैंड ओरियन सॉर्ड। लेकिन वो तीनों एल्डर्स जैसे ही उस ग्रैंड ओरियन सॉर्ड को देखते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं। उसमें से बीच वाला एल्डर कहता है, क्या सच में ये ग्रैंड ओरियन सॉर्ड है? ये सुन के एक दूसरा एल्डर कहता है, हाँ ये देखने से सच में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज लग रही है और इस तलवार के अंदर से काफी तक किलिंग ऑरा निकल रहा है। ये सुन के एक दूसरा एल्डर कहता है, हाँ ये तलवार इतनी भी बुरी नहीं है। उन तीनों एल्डर्स को आपस में ऐसे बातें करते हुए देख के टियानमिंग अपने मन में सोचता है, ये तीनों ओल्ड मैन क्या इस तलवार को ऐसे ही देखने वाले हैं? अगर ये तीनों ओल्ड मैन इस तलवार को नहीं लेना चाहते हैं तो जब इनका देखना हो जाएगा तो मैं इस तलवार को फिर से अपने पास रख लूंगा। यही कहने के साथ टियानमिंग उस ग्रैंड ओरियन सॉर्ड को फिर से अपने शरीर के अंदर रख लेता है। ये देख के निंगचेन की वाइफ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो तीनों सुप्रीम एल्डर से कहती है, सुप्रीम एल्डर वो एक हेवनली ऑब्जेक्ट है, क्या आप उसे नहीं लेंगे? ये सुन के वो ग्रैंड एल्डर उससे कहता है, तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। यह सुन के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। वो कहती है, मुझे माफ़ कीजिएगा सुप्रीम एल्डर। और टियानमिंग ये सब देख के हंस रहा होता है। टियानमिंग को ऐसे हंसते हुए देख के निंगचेन की वाइफ अपने मन में सोचती है, डैम इट, तुम टियानमिंग तुम मेरे ऊपर अभी हंस रहे हो ना, तुम मेरा बस वेट करो, मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ तुम देखना बस। फिर आगे एक एल्डर कह रहा होता है, हमारे क्लैन की सिचुएशन अभी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, हम इस लड़के को अभी मार नहीं सकते हैं, हम इसे बस यांगडू सिटी में रखने की कोशिश कर सकते हैं। ये सुन के एक दूसरा एल्डर कहता है, मेरे पास एक आइडिया है। ये सुन के दूसरा वाला एल्डर कहता है, क्या आइडिया है आपके पास? फिर वो एल्डर अपना आइडिया बताता है। वो कहता है, ये लड़का हमारे एंशियंट क्लैन का डिसेंडेंट है तो इसे भी एक लाइफ कर्ज मिलना चाहिए, इसलिए हम इस लड़के को सोल बर्निंग पगोडा में लेके जाएंगे जहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा सफ़र करेगा और जब ये खबर मुयांग को पहुँचेगी तो मुझे पक्का पता है वो हमारे पास ज़रूर आएगा। आफ्टरऑल उसके कारण जो हमारे क्लैन को लाइफ टाइम इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है, इतना ज़्यादा ह्यूमिलेशन देखना पड़ा है, तो अब उसके बेटे को भी ये दर्द सहना होगा। ये सुन के दूसरे दो जो एल्डर होते हैं वो काफ़ी इविल तरीके से हंसते हुए कहते हैं, हाँ तुम्हारा प्लान काफ़ी अच्छा है, हम इस लड़के को अपने रेजिडेंट में पूरी लाइफ टाइम बंद करके रखेंगे जब तक ली मुयांग हमारे पास वापस नहीं आता है और उसने जो किया है उसकी सज़ा नहीं भुगत लेता है। फिर हमें टियानमिंग को दिखाया जाता है जो उन तीनों एल्डर्स को ऐसे बात करते हुए देखता है और कहता है, ये तीनों बूढ़े लोग लगता है कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रहे हैं, लेकिन इन तीनों लोग को देख के लगता नहीं है कि ये मुझे मारना चाहते हैं, और यहाँ तक कि मैं काफ़ी ज़्यादा डर रहा था कि कहीं ये ग्रैंड ओरियन सॉर्ड को मुझसे छीन ना ले। लेकिन ग्रैंड ओरियन सॉर्ड और टीआई टावर को क्यों, इन दोनों चीज़ों को पिछले 10,000 सालों से कोई बाहर का इंसान नहीं ले पाया है? जैसे एग्जांपल के तौर पे जो मेरे सामने तीन लोग हैं, अगर वो चाहे तो पूरे जेंसाओ कॉन्टिनेंट को खुद ही से होल्ड कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। और ग्रैंड ओरियन सॉर्ड और टीआई टावर, ये दोनों सेक्रेट ऑब्जेक्ट को ईस्टर्न किंगडम में किसने छोड़ा? और सबसे क्यूरियस चीज जो मुझे काफी ज्यादा जानने पे मजबूर कर रही है, मेरे रियल फादर किस टाइप के मैन हैं? ये चीज सच में मुझे काफी ज्यादा क्यूरियस कर रहा है। फिर आगे टियानमिंग उन तीनों एल्डर से कहता है, सीनियर मैंने अपने फादर को कभी नहीं देखा, इसलिए क्या आप मुझे बता सकते हैं मेरे फादर ने ऐसा क्या कर दिया जो आप उसे अपने क्लैन का पापी बता रहे हैं? ये सुन के ओल्डर कहता है, क्या तुम अपने फादर को कभी नहीं देखा और तुम ये जानने के लिए क्यूरियस हो कि उसने क्या किया? ये सुन के टियानमिंग कहता है, ऑफ कोर्स। तीनों एल्डर्स, क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं क्लियरली कि मेरे फादर ने क्या किया है? मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। अगर मेरे फादर ने सच में आपके साथ कोई स्कैम किया हो, अगर वो कोई कमीना इंसान हो, तो मैं आपके साथ मिलकर उसको खुद सामने लाऊंगा आपके। ये सुन के ओल्डर हंसते हुए कहता है, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा फनी हो, ऐसे भी मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ। बहुत सालों पहले वो हमारे ग्रीन क्लैन का हेड था, जब वो पैदा हुआ था तुम्हारी तरह ही वो एक एंशियंट डीमन आर्म के साथ पैदा हुआ था। वो डीमन आर्म सच में काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल था, उसको ना स्वॉर्ड और ना भाला उसका कुछ कर पाती थी, यहाँ तक कि कोई होली बीस सोल्जर भी उसके आर्म को कट नहीं कर पाता था। ये सुनकर टियानमिंग अपने आर्म की तरफ देखते हुए सोचता है, मेरे फादर सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मैंने सोचा था कि वो एक ग्रेट मैन होंगे, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो इतने ज़्यादा पावरफुल भी होंगे। और मुझे आज पता चला मेरे इस हाथ को एंशियंट डीमन आर्म कहा जाता है, लेकिन इसका ओरिजिन क्या है? ये सुन के वो एल्डर कहता है, नहीं नहीं इसके बारे में मैं भी नहीं जानता, मैंने बस इसे देख के एक नाम दे दिया। फिर टियानमिंग कहता है, फिर आगे क्या हुआ, आगे बताइए। ये सुन के वो एल्डर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहता है, फिर वो हमारे रेस के लिए बिगनिंग था ट्रिबुलेशन का, मतलब अंत की शुरुआत थी। फिर वो एल्डर आगे बताते हैं, 40 साल पहले एक दिन मुयांग ने हमारे महल के अंदर घुसपैठ की और फर्स्ट ट्रेजर
जो एंशियंट रॉयल क्लैन का था, रिकार्नेशन ऑफ मिरर, उसे उसने चुरा लिया, जो रॉयल एंशियंट फैमिली के किंगडम का फाउंडेशन था। और आगे जो उसने किया वो तो और भी ज़्यादा शॉकिंग था। उसने सिर्फ रिकार्नेशन मिरर को ही नहीं चुराया, उसने एकलौती एंशियंट एम्परर की बेटी जो उसकी सबसे करीबी थी उसको भी मार डाला। इसकी वजह से एंशियंट एम्परर को इतना ज़्यादा गुस्सा आया था कि पूरा डिवाइन किंगडम कांप उठा था उस दिन। लेकिन किसी तरह मुयांग वहां से अपनी जान बचा के भाग पाया, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो गया था। फिर एम्परर ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिला। इसकी वजह से पूरा एंशियंट रॉयल फैमिली ने एंटायर क्रीन क्लैन को पनिश किया, सिर्फ उस बास्टर्ड की वजह से। उस दिन हमारे पूरे क्लैन को लाइफ कर्ज दिया गया, सिर्फ एक इंसान की वजह से हमारे पूरे क्लैन को लाइफ कर्ज दे दिया गया। हमारी पूरी ज़िंदगी इस कर्ज के साथ हमें जीनी होगी, हम इस कर्ज से भाग भी नहीं सकते हैं। ये सुन के टियानमिंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो एल्डर आगे बताते हैं, हमारे क्लैन में कोई भी पैदा होता है, उसके पैदा होते ही कुछ टाइम बाद उसे एक कर्ज मिल जाता है, वो भी पूरे लाइफ टाइम के लिए। और हमारे क्लैन में कोई भी 40 साल के बाद हमारे क्लैन को छोड़ के भाग नहीं सकता है। इसका मतलब जानते हो, हम एक गुलाम बन के रह गए हैं बस। यही कहने के साथ वो अपने सर पे एक जेम टाइप अपेयर कर लेता है। उस जेम को देख के टियानमिंग काफ़ी हैरान हो जाता है। वो कहते हैं, व्हाट द हेल, ये क्या चीज़ है, क्या ये वो कर्ज है, इसके इफेक्ट क्या है। ये सुन के वेल्डर कहता है, इफेक्ट तुम्हें पता है क्या, 40 साल पहले हमारा क्रीन क्लैन गॉड सिटी का सेकेंड सबसे ओल्डेस्ट क्लैन था, लेकिन जब से हमें ये लाइफ कर्ज मिला है हमारा क्लैन वीक से वीक ही होते जा रहा है, और भी ज़्यादा वर्स्ट होते जा रहा है दिन पर दिन। फिर निंगचेन की वाइफ कहती है, ली टियानमिंग तुम भी पूरी ज़िंदगी इस लाइफ कर्ज से भाग नहीं सकते हो, जब हम यांगडू सिटी में वापस लौट जाएंगे तब मैं तुम्हें भी ये कर्ज दे दूंगी, वो भी तुम्हारी पूरी लाइफ के लिए, और फिर मैं तुम्हें सोल बर्निंग पगोड़ा में कैद कर दूंगी। तुम्हारे बाप ने जो पाप किए हैं उसकी सजा तुम भुगतोगे अब। लेकिन वो तीनों एल्डर तो टियानमिंग का नाम ही सुन के काफ़ी हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं, क्या तुम्हारा नाम ली टियानमिंग है। उनके रिएक्शन को देख के टियानमिंग अपने मन में सोच रहा है, ये ओल्ड में मेरा नाम सुन के इतना ज़्यादा रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। फिर वो तीनों एल्डरों से कहता है, हाँ मेरा नाम ही ली टियानमिंग है, क्या कुछ गलत है क्या। ये सुन के वो एल्डर उसे कहता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ली मुयांग ने अपने बेटे को ऐसा नाम दिया है जिससे क्लियरली पता चल रहा है कि उसने एंशियंट रॉयल फैमिली को चैलेंज किया है, एंशियंट रॉयल एम्परर को चैलेंज किया है। ये सुन के टियानमिंग को समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो कह क्या रहा है। फिर वो एल्डर बहुत गुस्से में कहता है, उसने 40 साल पहले जिस प्रिंसेस को मारा था डिवाइन किंगडम के, उसका नाम भी तुम्हारे नाम के साथ काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहा है। तुम्हें पता है क्या उस प्रिंसेस का टाइटल क्या था, प्रिंसेस ऑफ हवेनली फेट। उस बास्टर्ड ने तुम्हें उसका नाम दे दिया है, तुम्हें अपना नाम चेंज करना होगा। ये सुन के टियानमिंग अपने मन में सोच रहा है, मेरी मदर का नाम जिंगवी था, उन्होंने ही मेरा नाम ली टियानमिंग रखा था, क्या ये कोई कोइंसिडेंस है। ये सारी नौटंकी निंगचेन दूर से देख रहा होता है, इन्हें कुछ कह नहीं रहा होता है। इसी के साथ हमारा सीन चेंज होता है। हमारा सीन सीधे 4 दिन के बाद दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें बताया जाता है उन लोग की इतनी टेरिफाइंग स्पीड थी कि उन्होंने सिर्फ 4 दिन में डिवाइन कैपिटल ऑफ एंशियंट गॉड को रीच कर लिया। फिर हमें टियानमिंग को दिखाया जाता है जो उस जगह को देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, मेरे मन में जो सवाल है उसका जवाब ये एंशियंट सिटी ही दे सकता है। फिर हमें क्रीन एंशियंट क्लैन जंगजियाओ सिटी का सीन दिखाया जाता है, और उस सिटी का गेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और उसी के नीचे सारे लोग खड़े हुए होते हैं। उसी गेट के नीचे से उन तीनों में से एक एल्डर किसी का नाम चिल्लाता है, मुयू। ये सुन के उस गेट के ऊपर से आवाज़ आती है, क्या तुम लोग किसी को लाने नहीं गए थे। आगे हमें उस बंदी को दिखाया जाता है जो ऊपर से ये सब कह रही होती है, जो काफ़ी ज़्यादा हॉट होती है यार। फिर आगे वो औरत नीचे आती है तो वो एल्डर कहता है, मुयू टाइसेंग मुझे तुमसे प्राइवेट में कुछ बातें करनी है। फिर वो एल्डर उसे साइड में ले जाकर उसको सारी बातें बता देता है क्या क्या हुआ था। वो सुन के वो औरत कहती है, घी ये काफ़ी ज़्यादा ट्रबल सुम हो जाएगा अगर इसमें एंशियंट रॉयल फैमिली इन्वॉल्व हो गई तो। यही कहने के साथ वो टियानमिंग की तरफ मुड़ जाती है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए उसकी तरफ बढ़ रही होती है। उसे आते हुए देख के टियानमिंग चिकन से कहता है, हे वो देखो यहाँ आ रही है। ये सुन के चिकन कहता है, मुझे यहाँ से रुक के वो सीन देखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ड्रैगन के साथ ट्रेनिंग करने में काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ। आप लोग को पता ही होगा टियानमिंग ने चिकन को ऐसा क्यों कहा, क्योंकि चिकन जिस लड़की को देखता है उसके पास जाने लगता है। आगे मुँह जैसे ही वहाँ आती है चिकन वहाँ से गायब हो जाता है, और वो जाते जाते टियानमिंग से कहता है, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे कभी भी बुला सकते हो। यही कहने के साथ वो वहाँ से चला जाता है। फिर आगे मुँह टियानमिंग से कहती है, हे बच्चे तुम्हारा ही नाम ली टियानमिंग है ना। ये सुनकर टियानमिंग कहता है, हाँ ऐसा ही कुछ है। टियानमिंग जैसे ही इतना कहता है मुँह अचानक उसके ऊपर अटैक कर देती है। और आज का हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नहीं है फिर भी लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।